जब हम वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो हम लेबल्स इस्तेमाल करते हैं। मैं मुरूस में जाके आपको बताता हूँ कि हम देते हैं यहाँ पे बराबर देते हैं कि डिम आर एज ए इंटीजर चाहे आई एज ए इंटीजर लॉन्ग, आखिर होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इस चीज को जानिए कि हम अगर मान लें कोई भी कैलकुलेशन हो, जैसे हमने यहाँ पे 50+60 किया 30 किया, तो ये 50+30 का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा। तो इसको रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमें एक लोकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि a1.value हमने किया एंड इक्वल टू a कर दिया। तो यहाँ पे आप जब इसको रन करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि आपके a1 के ऊपर 80 टाइप कर दिया, स्टोर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हर बार a1 नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है a1 में पहले से कोई वैल्यू हो, यूज होता हो। सो मैं एक्सेल के किसी भी रेंज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं हम वीबीए प्रोग्रामिंग में। तो इस केस में हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे m। अब m क्या है, जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड लेते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे m इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने m इस्तेमाल कर लिया। अब मुझे जहीं कहीं भी m की मैसेज 80 की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने मैसेज बॉक्स में डाल दिया, तो वहां पे हम वापस m को ले लेंगे। अब इसको हम प्ले करेंगे तो ये m हमारा आ जाएगा। इसका एक हो गया। दूसरा कि अगर हमें कैलकुलेशन में एक ही वैल्यू को कई जगह पे यूज करना हो और वो वैल्यू हम इनपुट से लेना चाहते हैं या कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वहां पे भी हम वैल्यू की इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे लिखा डी इक्वल टू, हमने यहाँ पे डाल दिया इनपुट बॉक्स, और बॉक्स में हमने बोल यहाँ पे डाल दिया कि एंटर फील्ड। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि अब रन होगा तो इनपुट बॉक्स में एक डेट डालने की बात होगी, तो यहाँ पे जो भी हम डेट डालेंगे वो स्टोर हो जाएगा किसके ऊपर, डी के ऊपर। अब मुझे जैसे मान लीजिए मुझे मंथ चाहिए, तो जैसे msg बॉक्स यहाँ पे बोल दिए कि मंथ, और मंथ में हमने बोल दिया डी। ऐसे ही msg बॉक्स मुझे ईयर करना है, तो यहाँ पे हमने ईयर सेलेक्ट किया, ईयर में डाल दिया अगेन डी। मुझे करना है msg बॉक्स यहाँ पे डे, और डे के अंदर में डाल दिया डी। तो आपने देखा कि एक डी तीन लाइन को वैल्यू सप्लाई कर रहा है। तो अगर हम प्ले करेंगे तो यहां से मुझे एक बार डेट पूछेगा, हमने डेट डाल दिया यहाँ पे, जैसे ओके करेंगे देखिए 1 2020 1 आ रहा है, तो तीन जगह सप्लाई कर रहा है। तो तीन अलग अलग इनपुट डालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो मैसेज बॉक्स स्किल किया जाता है। अब बात होती है कि हम लॉन्ग इंटीजर ये कब लेंगे, कहाँ लेंगे, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें इसका यूज कहाँ करना है। तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे अपने लिस्ट ऑफ इसकी। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है वेरिएबल्स की लिस्ट की बात कर रहे हैं कि dim b as a byte, ये हमारा byte। byte मतलब कि b के ऊपर आप 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू ले सकते हो बिना किसी डेसिमल्स को और बिना किसी इसकी नेगेटिव वैल्यू की। तो इसमें आप नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, इसकी एक लिमिटेशंस है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि इंटीजर कब ली जाती है, तो डिम आर एज ए इंटीजर हमने दिया, और यहां आर इक्वल टू -32,000 समथिंग से +32,000 समथिंग हम डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि ए भी डेसिमल्स को रिसीव नहीं करता है।
जी हाँ, डेसिमल शून्य होता है। फिर अगला आता है कि डिम एल एज ए लॉन्ग, क्योंकि मुझे 32,000 से ऊपर की वैल्यू डालनी होगी तो हम लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ एल इक्वल टू यहाँ पे हम अपनी मोटी मोटी से वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ए भी जो है आपका डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता है, लॉन्ग भी आपका डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहां पे अगली वैल्यू आती है डी एज ए डबल। डबल क्या करता है कि डी इक्वल टू आप इसमें डेसिमल्स भी रख सकते हैं और इससे ऊपर की वैल्यू भी रख सकते हो, सबसे बड़ी वैल्यू रख सकते हैं। अगला आता है डीपी एज ए डेट, इसमें आप कोई भी डेट वाली वैल्यू डालेंगे, किसी भी फॉर्मेट में डालेंगे तो वो डेट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अगला आता है जैसे कि डिम एस एज ए स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी नॉन कंटेक्स्टुअल वैल्यू जैसे डेटा भी हो टेक्स्ट भी हो, जैसा डालना चाहे वैसा आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगली वैल्यू आती है डिम बी एल एज ए बुलियन। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब हम मैं अभी थोड़ी देर सब बताता हूँ आपको। फिर यहाँ पे अगला आता है वी एज ए वेरिएंट। अब वेरिएंट क्या करता है कि वेरिएंट में जैसे आपने अगर कोई नंबर डाला तो लॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा नंबर है तो डबल हो जाएगा, डेट डाला तो डेट हो जाएगा, जैसा डालोगे वैसा उस तरह से अपने आप को बिहेव करें। दोबारा जान लीजिए, ये आपका बाइट होता है जिसकी लिमिटेशन होती है विदाउट डेसिमल, विदाउट जीरो माइनस, दो से जीरो से लेकर 255 तक। दूसरा आता है आर एज ए इंटीजर, माइनस 32,000 से प्लस 32,000 विदाउट डेसिमल, लॉन्ग में एक बड़ी अमाउंट की वैल्यू डाल सकते हैं 15 डिजिट तक की, लेकिन वो भी विदाउट डेसिमल। इन एज ए डबल में आप डेसिमल लॉन्ग इंटीजर सारा डाल सकते हैं, और यहाँ डी टी एज ए डेट यहाँ दिख रहा होगा, इस पे आप डेट डाल सकते हैं, एस पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, और बी एल पे आप ट्रू एंड फॉल्स, बी एल जैसे डालेंगे तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स यहाँ लगेगा। और वेरिएंट आपका ऑलराउंडर होता है कि इसमें जो वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग ये बन जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आती है तो फिर हम वेरिएंट ही हर जगह इस्तेमाल क्यों ना करें? जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स है वो समझ लीजिए। क्योंकि जैसे ही डिम मतलब होता है डायमेंशन, कि आपके हार्ड डिस्क के डायमेंशन में बी नाम का एक डेटा लोकेशन क्रिएट होगा और उस पे बाइट लॉन्ग इंटीजर ऐसे वैल्यू स्टोर होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब भी हार्ड डिस्क में कोई भी इवेंट होता है तो उस पे एक स्पेस एक्वायर होता है। तो अगर बाइट लेते हैं तो आपका 2 बाइट, अगर इंटीजर लेते हैं तो 4 बाइट, लॉन्ग लेते हैं तो 8 बाइट, डबल में 16 होता है, ऐसे ही डेट में 8 होता है, विलियन में 4 होता है, स्ट्रिंग में मिनिमम आपका 8 बाइट और अकॉर्डिंग द टेक्स्ट साइज, लेकिन आपका वेरिएंट जो है मिनिमम 32 बाइट को कैप्चर एक्वायर करता है इसकी साइज को। अब पहला इसमें क्वेश्चन ये आता है कि फिर तो बाइट है क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो 8 GB 16 GB ऐसे हार्ड डिस्क रैम है, 1 TB 2 TB का हार्ड डिस्क है। जी हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी एक सब्जेक्ट आप डिफाइन करते हैं, जब भी एक मैक्रो डिफाइन करते हैं तो उसका एक साइज होता है, मतलब कि मैक्रो की साइज होती है 255 KB, इससे बड़ा मैक्रो हुआ तो प्रोसीजर टू लार्ज का एरर आएगा और आपका मैक्रो काम करना बंद कर। अब यहां पे अगला ऑप्शन आता है कि ठीक है चलिए, लेकिन अगर मैं छोटी मोटी मैक्रो बनाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ छोटे मोटे मैक्रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप 10 लाइन 15 लाइन के मैक्रो बनाते हैं उसमें आप वेरिएंट ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा यहाँ पे जो आता है वो आता है कन्वर्जन का। जैसे आपने देखा कि जैसे हमने बीएल किया था, तो जैसे यहाँ पे मैं वीएल लिखूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने बुलियन का इस्तेमाल किया। एक बेनिफिट इस तरह से होता है, दूसरा होता है कन्वर्जेंस। जैसे मैं एक मैक्रो बनाता हूं यहाँ पे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे बियर या यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देता हूं डिम, जैसे हमने दे दिया एल एज ए लॉन्ग, और
यहाँ पे मैंने L इक्वल टू, अगर मैंने कोई डेसिमल प्लेस दिया तो आप देखेंगे MSC बॉक्स में आप L करते हैं तो ये डेसिमल्स को राउंड कर देगा, राउंड कर दिया। अगर आप इसमें अगर लॉन्ग की जगह पे अगर वेरिएंट कर दें तो क्या ये राउंड करेगा? नहीं कर रहा। तो फिर आपको अगर राउंड करवाना हो तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। जी नहीं, लॉन्ग या इंटीजर डाला तो आप उसकी वैल्यू सी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाती है। अगर 36 है, अगर मैं यहाँ पे मान लो 56 करूँ तो देखिए 24 हो जाएगा। तो एक बेनिफिट हमारा ये होता है कि जब भी हम इस मैक्रो का यूज करते हैं तो हमारा राउंड हो जाता है। इसके अलावा टेम्पररी से होल्ड करने के लिए, किसी जगह से इनपुट लेने के लिए, जब भी कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उन केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। अब चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ये बहुत आसान होता है, तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं VBA के थ्रू और उसमें हम डालते हैं अपने मैसेज बॉक्स को। MCL के नाम से बना रहा हूं मैं पहली मैक्रो। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पे क्वार्टर वन की सेल है, यहाँ पे क्वार्टर टू की सेल है और मुझे सी पे ग्रोथ चाहिए। तो मुझे क्वार्टर वन की सेल दिख गई, क्वार्टर टू का सेल यहाँ दिख रहा है आपको, अब मुझे इसमें ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ कैसे लेंगे? यहाँ पे जैसे कि 25 हो गया या 26, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिखता हूँ कि डिम क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू, एक साथ हम दो वेरिएबल इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एज ए लॉन्ग। एक यहाँ पे फिर डिम, यहाँ पे ग्रोथ जी एज ए डबल। डबल क्यों किया मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्वार्टर वन पे वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, क्वार्टर वन इक्वल टू रेंज ए टू डॉट वैल्यू, और फिर यहाँ क्वार्टर टू इक्वल टू रेंज, यहाँ पे हमने डाल दिया बी टू डॉट वैल्यू। अब यहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पे रेंज में जी इक्वल टू हमने बोला कि लेटेस्ट माइनस में क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। ओके, लेकिन इसमें बोर्ड मास मेथड डालना पड़ेगा, ये रहा। और यहां पे हमने मैसेज आउट करना है, तो रेंज हमने बोला C2 डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने यहां पे डाल दिया जी। अब इसको हम प्ले करते हैं तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट यहां पे आ गया, बट ये डेसिमल में है, मुझे इसके परसेंटेज में चाहिए। तो दो तरीका है, एक तो जैसे कि हमने जी यहां डाला तो मैं इसमें एक फॉर्मेट का पासवर्ड डाल देता हूं कि फॉर्मेट जी, और इसमें हमने डाल दिया 0.0%। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि चलो एक सेल था इसलिए कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से और बहुत सारे हैं, अब क्या करें? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ लूप। तो लूप का एक नया यहाँ यूज होगा कि लूप का इस्तेमाल कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं।
लूप कैसे इस्तेमाल होगा? तो जिस क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो सिर्फ ए टू बी टू ही ले रहा है, ऐसे में मुझे ए थ्री ए फोर ए फाइव सबका लेना होगा, कैसे ले? तो अब मैं यहाँ लूप इस्तेमाल करता हूँ। तो लूप का यूज क्यों होता है? रिपीट करने के लिए होता है। तो हमने लिखा फोर आई इक्वल टू चले टू से चले कहाँ तक? इलेवन तक। तो टू यहाँ पर है, हमने वन से नहीं किया क्योंकि वन में रो है, टू से लेके इलेवन तक चले, यहाँ पे मैंने इलेवन डाल दिया और फिर मैंने इसको नेक्स्ट आई कर दिया। तो अभी क्या करेगा कि जो कोड है इसको एक इसको जो है 10 बार रन करेगा। जी हाँ, दो से लेके इलेवन 10 होगा, 10 बार वन बाय वन रन करेगा। अब ये रन कितना बार हुआ है इसकी काउंटिंग आई पे होगी। अगर मैं इसको स्टेप इन्फो से आपको समझाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं डिबग पे जाता हूँ, स्टेप इनको एफ एम इसका शॉर्टकट होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे किया, अभी आई जो है आई भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे इन्वर्टी है, खाली कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं स्टेप इनको करूंगा तो आई इक्वल टू वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, सॉरी टू से स्टार्ट टू हो गया। बाकी सारे प्रोसीजर को रन करेगा वन बाय वन। अब वापस जो है आप देखेंगे आई यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया, थ्री हो गया। तो जब ये चलता है तो पहले नेक्स्ट चेक करता है कि आई का वैल्यू जो है वो क्या इलेवन से छोटा है। अगर छोटा है तो फिर फोर को वापस भेज देता है कि वापस इसको रन करो, फिर वापस आई अपनी वैल्यू इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे आई चेक करेगा कि तो थ्री क्या लेस देन इलेवन है, लेस देन इलेवन है तो फिर वापस लूप को भेजेगा और लूप वापस देखिए आई पे फोर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब मैं यहाँ पे 10 टाइम चला रहा हूँ फिर भी रिजल्ट जो है आप देखेंगे सिर्फ सिंगल को ही दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इनपुट जो लिया है वो फिक्स ए टू से बी टू से लिया है और सी टू पे हमने आउटपुट दिया है। तो इसको अगर मैं डायनेमिक कर दूं, मतलब टू को इंक्रीजमेंट पे डाल दूं कि जैसे आई इंक्रीज हो रहा है, वन टू थ्री हो रहा है, इस तरह से ए भी हो, तो यहाँ इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है जो हम लोग इसमें सी प्लस प्लस में यूज करते थे कि आर एक हम यहाँ पे एक डिफाइन करते हैं वेरिएबल आर इक्वल टू आर प्लस वन और यहाँ हम टू को डिलीट करते हैं और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं आर को। और यहाँ भी सेम सी टू की जगह पे आर कर देते हैं, ये चल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जब मेरे पास ऑलरेडी आई है तो आई वही काम करता है जो आर काम करेगा। कि आर जब चलेगा तो आर पहले ब्लैंक होगा, ब्लैंक प्लस वन इक्वल टू वन, तो यहाँ पे ए के साथ तो ए वन हो जाएगा, बी वन हो जाएगा और सी वन हो जाएगा। फिर दोबारा चलेगा तो आर ऑलरेडी वन होगा तो वन प्लस वन इक्वल टू टू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम ना करके दूसरा तरीका जो मोस्टली यूज करते हैं कि इस आई जो हमारा फोर का आई है इसी को ले लेते हैं, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है और इसका भी वही यूज है। अब मैं अगर इसको स्टॉप करूं और शुरू से यहाँ पे आके प्ले करता हूं मैं, तो आप देखेंगे कि पूरा डेटा हमारे पास परसेंटेज में। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिए, इसलिए वेरिएबल्स लिए क्योंकि यहां कैलकुलेशन करने में हमें बड़ी आसानी, कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हुई इसलिए। अब चलिए अगली कैलकुलेशन करते हैं। अगली कैलकुलेशन मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट निकालना है, दूसरी शीट पे चलते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट है, हमारे पास टाइम। तो मैं यहां पर कुछ छोटा सा डेटा बना लेता हूं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। और टाइम में यहाँ पे ये डेटा हमारा बन गया। अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रखना है। इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन होता है पीवी का, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
क्या होगा, कैसे करेंगे? पहले इसका फंक्शन मैक्रो बनाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं सब INC ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे हम देते हैं कि dim p as a, हम देते हैं long, के बाद dim यहां पे r रेट as a डबल होगा क्योंकि डेसिमल हमेशा डबल में होता है। यहां भी हमने g को डबल लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि g पे जो कैलकुलेशन होगी वो परसेंटेज की होगी और परसेंटेज हमेशा डेसिमल में होता है। और ऐसे t as a, अब मैं यहाँ पे इंटीजर भी ले सकता हूँ क्योंकि 32,000 से ज्यादा साल तो होगा नहीं, या फिर आप यहाँ पे बाइट भी ले सकते हैं, ईयर में है तो मैं यहाँ बाइट भी ले सकते हैं क्योंकि साल माइनस में होगा नहीं और डेसिमल में होगा ही नहीं, तो बाइट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम 4 लगाएंगे कि 4i इक्वल टू चले 2 से लेके 14 तक। अभी हम मैनुअल ले रहे हैं, हम आगे इसको ऑटोमेट करना भी सिखाएंगे लूप में, तो 14 तक चले। और यहां हमने नेक्स्ट आई कर दिया। यहां हम क्या कर रहे हैं, रेंज यहां सॉरी पहले पी प्रिंसिपल इक्वल टू रेंज, और रेंज में हम आर ए एन जी पी रेंज ब्रैकेट रेंज ए के साथ हमने कंबाइन किया आई को और डॉट इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आर हो जाता है, हमारे पास टी हो जाता है, और यहाँ पे ए के जगह पे बी, बी के जगह पे यहाँ सी, और यहां हम वापस कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे एक और करना पड़ेगा अमाउंट, तो यहां हम डिम अमाउंट एज ए हम यहां पे डबल दे देते क्योंकि अमाउंट भी डेसिमल में आ सकता है, तो हमने डबल दे लिया। और डबल देने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं अमाउंट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई 12 पावर ऑफ P मल्टीप्लाई बाई 12, और फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लूंगा मैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। और उसके बाद ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया रिजल्ट अमाउंट पे है, तो वापस हम देते हैं रेंज, और रेंज में देते हैं डी, डी के साथ हम आई को कंबाइन करते हैं डॉट वैल्यू इक्वल टू अमाउंट। और फिर मैं इसको यहां से भी रन करूं या फिर मैं यहां माइक्रोस यहां से डेवलपर में जाके माइक्रोस से भी इसको रन कर सकता हूं। यहाँ पे दिक्कत आ गई क्योंकि यहाँ पे टी हमने दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे टी देना पड़ेगा, गलती हो गई थी। हाँ देखिए ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट, तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एरर की, हाँ एरे की बात करते हैं, एरे के बारे में चलिए जानते हैं। हेलो हेलो बताइए सर, इसमें ये एक क्यों लिया है 1+, ये इसमें इसमें ये तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्या सर? कंपाउंड इंटरेस्ट की मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये 1+r/12। जी जी, मैथमेटिक्स में जाएंगे तो अमाउंट होता है p मल्टीप्लाई बाय 1+ R डिवाइड बाई N, N मतलब कि आपका मंथली है तो 12 होगा, या ईयरली इंटरेस्ट है तो आपका 1 होगा, हाफ अर्ली है तो 2 होगा, एंड T मल्टीप्लाई बाई ऑल्सो N,
ये है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एरे की, राइट। एरे के साथ हम कंडीशंस को भी लगाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक एक पे एक रेंज पे हमने अभी यहाँ पे जो वेरिएबल दिया उसपे हमने एक पी पे एक ही वैल्यू लूंगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे भी वेरिएबल दिया बी एज ए बाइट, तो मैं यहाँ पे अगर बी इक्वल टू अगर मैंने 50 किया तो 50 रहेगा, और जैसे बी इक्वल टू मैं नीचे 60 कर दिया तो मेरा 50 रिप्लेस होकर 60 हो जाएगा। अब मुझे 50 भी स्टोर करना है और 60 भी स्टोर करना है, मतलब कि मोर देन वन फील्ड को स्टोर करना है, तो उस केस में हम एरे डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, एरे। तो एरे कैसे डिफाइन किया जाता है? तो जैसे कि आप यहाँ पे डिम, हमने ले लिया यहाँ पे मान लीजिए ओ, ओ में आप कितने रो और कितने कॉलम में करना चाहते हैं, सिर्फ रो का करना है, एक ही कॉलम रो, तो 1 2 हमने 10 कर दिया। अब ये 1 2 10 और डिम में यहाँ चाहिए था, और एज ए अपना कास्ट ले लिया जैसे लॉन्ग। तो एरे क्या होता है कि एक ही वेरिएबल पे सेम कास्ट के मल्टीपल डेटा स्टोर की जाती है। तो अब मुझे वैल्यू स्टोर करना होगा, तो मैं यहां पे ओ और ओ के साथ हम ब्रैकेट में 1 लिखेंगे और इक्वल टू कर देंगे 50, फिर ओ लिखेंगे यहां 2 कर देंगे तो यहां लिख देंगे 60, फिर ओ करेंगे और यहां पे लिख देंगे 3 इक्वल टू 30, इस तरह से, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि मेरे पास एक डेट सेल्स फिगर है, राइट, बहुत सारा फिगर, बाद में देखना क्लास का, माफ कीजिएगा मेरा बेटा कार्टून देख रहा है बगल में लैपटॉप में। यहां पे मेरे पास डेटा है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से गेट लेस देन, जो ग्रेटर देन 50 है उसका डेटा लेना है, उस पे भी उसके मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, और मुझे उसका रिजल्ट यहाँ एफ कॉलम में डालना है, ठीक है, इंसेंटिव के नाम से। कैसे करेंगे, चलिए। तो यहां पे सब्जेक्ट हम यहां पे डालते हैं एरे 1, एरे डालो सिंपल सा, तो यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला कि यहां पे हम डिफाइन करेंगे कि डिम। अब यहां पे एक दिक्कत है कि अगर आपने डिम जैसे कि हमने डीटी और यहां पे दे दिया 1 2 1 2 और हमने मान लीजिए कि कितना है 58 है, तो 58 दे दिया, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोमेट नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं दे सकते कि भाई यहाँ पे वेरिएबल नहीं दे सकते, अब यहाँ पे मेनुअली लिखना पड़ेगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 एज ए हमने लॉन्ग दे दिया। मैं यहाँ पे लूप लगाया कि 4i इक्वल टू चले, अब यहाँ पे हमने 2 से यहाँ पे 1 से लिया, मैं यहाँ देता हूँ क्योंकि हमारा डेटा यहाँ 2 से डालना है, डेटा को मैं 2 से स्टार्ट अपलोड करना है, तो अगर हम 1 कर देंगे या 0 कर देंगे तो फिर यहाँ मुझे i में प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं यहाँ 2 से कर देता हूँ। यहाँ पे 2 2 चले, कितना है हमारा डेटा 58, और सबसे पहले हमें लोड करना है dt के ऊपर, तो हमें उससे पहले कंडीशन देनी है कि भाई जो हमारा रेंज है इसमें ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो यहाँ के लिए इफ कंडीशन लगाते हैं, तो मुझे सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट देना है, तो सिंपल लिखना है कि इफ इफ डी यहाँ पे रेंज रेंज में हमने यहाँ पे ए के साथ आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज
greater than 50 then dt और इसके अंदर हमने i डाल दिया equal to और same इस value को upload कर देना है। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अब ये तो मान लीजिए कि 3-4 नहीं है तो स्किप हो जाएगा, तो यहां पे ऐसा ना हो इसके लिए मुझे इसको दो लाइनों में लिखना पड़ेगा, यहां एक और वेरिएबल देना पड़ेगा कि dim r as a integer या long कर देता हूं मैं long, और फिर मैं यहां पे if condition लगाने के बाद मैं इसको then करके नीचे तोड़ूंगी st नहीं dt ldt और dt से ऊपर लिखेंगे r equal to r plus 1 क्योंकि मैंने इसे पहले बताया था, और यहां पे हम r देंगे, यहां i रहेगा बट यहां r रहेगा ताकि बीच में कोई गैप ना हो जाए वरना गैप हो जाए, और फिर एंड इफ यहां कर देते हैं और फिर यहां नेक्स्ट आई कर देते हैं, तो जितने भी ग्रेटर देन 50 वाले रिजल्ट्स हैं ये यहां पे आपके स्टोर हो जाए, अब उसकी उसमें मल्टीप्लाई 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके मुझे यहां डालना है, तो हालांकि दूसरा तरीका भी है लेकिन मैं यहां एरे पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 4 j इक्वल टू चले से लेके वन से लेके, अब यहां दिक्कत हो जाएगी वन से लेके, अच्छा अभी थोड़ी देर में आपकी ये फिर से रीज्वाइन होगा, फिर से रीज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। फिर से रिज्वाइन कीजिए प्लीज सर।